कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच कई राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू लगा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। देश में रोजाना 40,000 के पास मामले आ रहे हैं। वहीं बात की जाए कोरोना के नए स्ट्रेन ब्रिटेन, साउथ अफ्रीकी, ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देश में मामलों का एक बड़ा विस्फोट हुआ। 285 से आंकड़े 400 पर पहुंच गए, क्योंकि यहां पर 115 मामले सामने आए। जहां पर रोज 5 से 10 मामले सामने आ रहे थे, अचानक 115 मामले सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल है। शुक्रवार को 10 मामले सामने आए थे, जिसके बाद मामले 410 हो गए। शनिवार को 5 नए मामले सामने आने के बाद आज रविवार को 6 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जिससे अब देश में संक्रमितों की संख्या 421 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज रविवार को ये जानकारी दी है। इनमें से हर मरीज को संबंध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए सहयात्रियों, परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश हो रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।